Hello everyone, welcome back to Jitin Classes. This is Haida Khaldanuri and we are doing a chapter 5 from class 11, that is morphology in flowering plants. And as I have told you in the very first video lecture, that majority of the portions, not majority actually, some of the portions of this chapter have been omitted. कुछ हैं जो इस चैप्टर से ओमिट कर दिए गए हटा दिए गए हैं, तो उनमें से आपका फ्रूट और सीड भी है. फ्रूट और सीड आपका सिलेबस से हट गया है जनरली, ज्यादातर बोर्ड से. सो हम उस चीज को कवर नहीं करेंगे, बट इन केस आप मान लो आप जिस बोर्ड में हो सकता है शायद उस बोर्ड में अभी भी हो फ्रूट और सीड, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप क्लास 12th के प्लेलिस्ट में जाके वहां पे आपका जो एंजियोस्पर्म का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दैट इज चैप्टर 2 फ्रॉम क्लास 12th, उस चैप्टर 2 में मैंने फ्रूट एंड सीड वहां पढ़ाया है, क्योंकि क्लास 12th के चैप्टर 2 में भी है ये चीजें, तो मैंने वहां भी पढ़ाई है. तो वहां सीड स्ट्रक्चर, मोनोकॉट डाइकॉट का सीड स्ट्रक्चर भी है, फ्रूट का स्ट्रक्चर है या फ्रूट कैसे बनता है, वो सारी चीजें उस चैप्टर में है. तो अगर मान लो आपके बोर्ड में वो चीजें हैं तो आप क्लास 12 के प्लेलिस्ट से देख सकते हो, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है. और अगर नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है, बस सिंपली आप इतना पढ़ लो. वैसे मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड से ये हटा दिया गया है, क्योंकि वो इसीलिए मेरा मुझे ऐसा लगता है इसे हटा दिया गया होगा क्योंकि 12th उसको पढ़ना है, और क्योंकि अभी कम टाइम है तो इसलिए हटा दिया गया होगा, कि जो 12th में अगेन उनको करना है तो इसलिए 11th से हटा दिया जाता है. अब हम लोग को करना क्या है? देखो, हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी तो पढ़ ली, मॉर्फोलॉजी में हम लोग ने सब शेप स्ट्रक्चर ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ ली. अब हमको देखना है कि इसका एप्लीकेशन क्या है. एप्लीकेशन देखो इसका ये है कि जैसे हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब पढ़ते हैं तो हम लोग उसमें बोलते हैं कि हम लोग इसलिए क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ताकि किसी एक के बारे में कुछ पता चल जाए, किसी मतलब एक ग्रुप है उस ग्रुप में किसी एक इंडिविजुअल की स्टडी कर लेते हैं तो वो पूरा ग्रुप हम पढ़ लेते हैं, तो हमें पता चलता है इस पूरे ग्रुप में ये फीचर्स होंगे, ऐसा होता है. उसी तरह से जब मॉर्फोलॉजी में हम आते हैं, तो मॉर्फोलॉजी में जब हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को पढ़ लेते हैं, फीचर्स को पढ़ लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हम पर्टिकुलरली जितनी भी प्लांट फैमिलीज होती हैं उन फैमिलीज के कैरेक्टर्स को लिखते हैं. और कौन से कैरेक्टर्स को लिखते हैं? अब क्योंकि मॉर्फोलॉजी चैप्टर है तो जाहिर सी बात है हम उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही लिखते हैं. जब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लिखा जाता है तो वहां कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं. मतलब ऐसा है कि हम लोग ने पीछे बहुत सारे कैरेक्टर पढ़े, सेपल्स है, पेटल्स है, कैलिक्स है, कोरोला है, कैलिक्स कैसा अरेंज है, सिगेशन पढ़ा, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी ना. तो अब यहाँ बस हम उसी चीज को सिंबल्स में यूज करते हैं, उन सारी इंफॉर्मेशन को जब उनको हम सिम्बलाइज कर देते हैं तो उस चीज को हम बोलते हैं फ्लोरल सिंबल. एंड जब कई सारे सिंबल मिलके किसी एक फ्लावर, किसी एक प्लांट के सारे फीचर्स को एक्सप्लेन कर देते हैं तो उसे हम फ्लोरल फॉर्मूला बोलते हैं. एंड उसी बेसिस पे एक डायग्राम बनता है जिसे हम फ्लोरल डायग्राम बोलते हैं. ठीक, अब हमको करना क्या है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हमें फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल सिंबल, फ्लोरल फॉर्मूला ये सब आना चाहिए. एंड दो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपकी लिलियसी है एंड एक आपकी सोलानेसी है, और ये दोनों फैमिली को भी हमें डिस्कस करना है. सो ये वीडियो लेक्चर आपका इस चैप्टर का लास्ट वीडियो लेक्चर है, आज का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फाइनली. तो बस अब हम स्टार्ट करते हैं. आप देखो इसको, यहाँ मैंने क्या किया, सिंबल्स लिख दिए, ये जो फ्लोरल सिंबल्स हैं मैंने लिख दिए हैं, कुछ बेसिक फ्लोरल सिंबल्स हैं जिनको आपको यूज करना होगा फॉर क्रिएटिंग फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम. तो यहाँ मैंने जो सिंबल्स लिखे हैं आप इनका स्क्रीनशॉट फॉरन से ले लो. और देखो बी आर किसके लिए, ब्रैक्टिएट. ब्रैक्टिएट मतलब क्या, देखो पहली पॉइंट तो ये है, फ्लोरल फॉर्मूले में या फ्लोरल डायग्राम में हम सिर्फ उन चीजों को बताते हैं जो चीज उस फ्लावर में प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट नहीं है उसके लिए हम कोई सिंबल नहीं करते. जैसे मान लो अभी आपका माइंड में आया कि अगर प्लांट है उसमें कैलिक्स है, कोरोला है, तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज कर रहे हैं, और अगर उसमें पेरियंस है तो उसके लिए पी यूज कर रहे हैं, तो वहां पास कोरोला और कैलिक्स कैसे काटना चाहिए, ये सब चीजें नहीं होती हैं. यहाँ बस ये होता है कि जो चीजें प्रेजेंट हैं फ्लावर में या प्लांट में हम उन चीजों को ही लिखते हैं फ्लोरल फॉर्मूला में. तो यहाँ पास बी आर किसके लिए है, ब्रैक्टिएट कंडीशन के लिए. अगर किसी फ्लावर में ब्रैक्ट्स मौजूद है वो ब्रैक्टिएट फ्लावर हुआ, और अगर वो ब्रैक्टिएट है तो हम उसके लिए बी आर लिख देते हैं. ई ब्रैक्टिएट के लिए वैसे यहाँ सिंबल मैंने नहीं लिखा है और यूज होता भी नहीं है, क्योंकि अगर बी ई बी आर नहीं लिखा हुआ इट मीन सिंपली कि उस फ्लावर में ब्रैक्टिएट कंडीशन नहीं है. कैलिक्स के लिए के यूज होता है, कोरोला के लिए सी यूज होता है, एंड पेरियंथ के लिए पी, एंड्रोशियम के लिए ए, गाइनोशियम के लिए जी. अब रुको, उसको देखने से पहले कर रहा हूँ.
अब यहाँ पास क्या करते हैं, ये तो हम लोगों ने लिख दिया कैलिस कोरोला पेरियंथ, लेकिन हर फ्लावर में आपको पता है अलग अलग नंबर ऑफ पेटल्स एंड अलग अलग नंबर ऑफ कैलिस एंड्रोशियम हो सकता है। कोई प्लांट हो सकता है जो मोनोकार्पेलरी हो जिसमें एक ही कार्पल हो, कोई हो सकता है जो मोनो एडल्फस हो उसमें एक ही स्टेमेन हो, कोई ऐसा हो सकता है जिसमें चार पांच कैलिक्स हो, जिसमें पांच सेपल्स हो, पांच पेटल्स हो। तो वो जो नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ कैलिक्स, नंबर ऑफ कोरोला, नंबर ऑफ एंड्रोशियम एंड गायनोशियम या स्टेमेन एंड पिस्टल या कार्पल, वो लिखा जाता है। तो जैसे अगर मैंने मान लो यहाँ पास ऐसे लिख दिया, इसको मतलब टच करते हैं हम लोग, अगर मैंने ऐसे लिखा है K2, K2 का मतलब क्या हुआ, एक सिंबल किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, कैलिक्स के लिए, कैलिक्स मतलब सेपल। तो K2 का मतलब ये हुआ कि उस फ्लावर में दो सेपल्स मौजूद हैं। अगर K4 लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, फोर सेपल्स मौजूद हैं। उसी तरह से अगर मान लो कोरोला के लिए सी सिंबल है, मैंने C5 लिख दिया तो उसका मतलब उसमें पांच पेटल्स होंगे। उसी तरह से अगर एंड्रोशियम में मैंने नंबरिंग कर दी, मान लो 1 2 3 जो भी करना है, वो तो डिपेंड करता है कि हम किस फ्लावर की किस फैमिली की बात कर रहे हैं। उसी तरह से आप गाइनोशियम में नंबरिंग कर लो 3 4 5 जो भी, ठीक। तो इसका मतलब होता है कि जो नंबर्स होते हैं वो नंबर बताते हैं, इनकी यूनिट के नंबर कितने हैं, कितने पेटल्स हैं, कितने सेपल्स हैं, कितने स्टेमिन एंड पिस्टल है। ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, हम लोगों ने पीछे देखा था यहाँ फ्री एंड पॉली कंडीशन होती थी, गेमो एंड पॉली कंडीशन होती थी, फ्यूज रहते हो सकते हैं या फ्री हो सकते हैं। जब फ्री रहते हैं, जैसे यहाँ जब फ्री है तो आप उसको सिर्फ कैसे लिखोगे, और अगर मान लो फ्यूजन होता है इन दोनों सेपल्स में तो आप उसको ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं। जब दो सेपल्स के बीच में या किसी भी दो यूनिट के बीच में, बेसिकली हमें चार देखनी है, कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, तो इनमें इनके यूनिट्स में अगर आपस में फ्यूजन है, गैमो कंडीशन है, फ्यूज कंडीशन है, तो वहां पर जितने भी यूनिट्स फ्यूज हैं उसके लिए आप सिंबल लगा लोगे। जैसे ये K4 है, तो K4 हो सकता है कि चारों के चारों फ्यूज हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, गैमोसेपल्स कंडीशन थी। या कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि 1 फ्री हो और 3 फ्यूज हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 4 सेपल्स हैं जिसमें से 3 फ्यूज है 1 फ्री है, ये भी हो सकता है। या कभी कभी हो सकता है फ्यूजन में दो दो का सेट इस तरह से हो, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 4 सेपल हैं, दो आपस में फ्यूज हैं, दो आपस में फ्यूज हैं, इस तरह से। तो अलग अलग कंडीशन हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द फैमिली वी आर डिस्कसिंग, ठीक। उसी तरह से सेम टेक्निक, यही टेक्निक आपको कोरोला में, एंड्रोशियम में, गाइनोशियम भी करनी होती है। मान लो कैलिक्स में पांच पेटल्स है, पांच के पांचों फ्यूज है, तो आप क्या करोगे, ऐसे कर दोगे, या अगर इसमें कोई ऐसी कंडीशन हो कि एक कोई फ्यूज हो, एक कोई फ्री हो बाकी सब फ्यूज हो, या सेट्स में फ्यूजन हो, उसी तरह से एंड्रोशियम में आप देख सकते हो एंड उसी तरह से आप गाइनोशियम में भी देख सकते हो, ठीक। आई होप आपको ये नंबरिंग एंड ये ब्रैकेट का सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा होगा। उसके बाद कंडीशन एक और आती है, आपको हमने पीछे पढ़ा था, जब हमने एंड्रोशियम स्टडी की थी हमने तभी पढ़ा था कि ये जो एंड्रोशियम है ये हो सकता है कि आपस में फ्यूज हो। अगर आपस में फ्यूज है तो वहां पास तो हम ये ब्रैकेट वाले सिंबल्स यूज कर लेते हैं, बट अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आपका एंड्रोशियम पेरियंथ से अटैच होता है, जैसे कि लिली वगैरह में, या कोरोला से अटैच रहता है, तब आप क्या करोगे, अगर मान लो आपका एंड्रोशियम है, नंबरिंग कुछ भी है, मान लो हम कहते हैं दो एंड्रोशियम है एंड जिस फ्लावर की हम बात कर रहे हैं उसके पास 5 पेरियंथ है और पांचों पेरियंथ आपस में फ्यूज है, एक ऐसा आर्बिट्री कंडीशन हमने ले ली, और हम बोल रहे हैं कि जो एंड्रोशियम है वो पेरियंथ से अटैच है, तो उसमें हम इस तरह से सिंबल लगाते हैं। ऐसा ऐसा भी कर सकते हो, या इवन एरो ना भी लगाओ तो भी ये अंडरस्टूड सी बात है कि इन दोनों में आपस में अटैचमेंट है, एंड्रोशियम इससे अटैच है, ऐसा भी हो सकता है। या ये हो सकता है कि एंड्रोशियम आपका कोरोला से अटैच हो, सी और मान लो वो कोरोला फ्री है, आपस में फ्यूज नहीं है, यहाँ अब जो हमने लिए हैं स्टेमेंस वो आपस में फ्यूज हैं और ये साथ में ये इससे भी फ्यूज है, ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है, ठीक। तो अगर दो अपेंडेजेस, दो फ्लोरल अपेंडेजेस आपस में फ्यूज हैं, जनरली ये केस एंड्रोशियम पेरियंथ एंड एंड्रोशियम एंड कोरोला में ही देखने को मिलती है, तो इस तरह से हम डायग्राम जब फ्लोरल फॉर्म में लिखेंगे तो उस कंडीशन को हम ऐसे शो करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो ये चीजें हमारी क्लियर हो गई, ब्रैक्टीरियट, कैलिक्स, कोरोला, पेरियंथ, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, उसमें नंबरिंग हमने देख ली। उसके बाद आप याद करिए पीछे हम लोगों ने ये भी सीखा था कि एक होता है आपका सुपीरियर ओवरी, एक आपका होता है इंफीरियर ओवरी, तो अगर ये कंडीशन मौजूद है तो उसके लिए भी कोई सिंबल यूज करना चाहिए। तो सुपीरियर ओवरी के केस में हम गाइनोशियम के नीचे जी लिख देते हैं ऐसे करके, एंड इंफीरियर के केस में क्या करते हैं, जी के ऊपर ऊपर डैश लगाते हैं। इसको देखो ऐसे याद कर लेना, क्योंकि गाइनोशियम क्या है, यहाँ सुपीरियर है तो वो ऊपर होना चाहिए, तो इसलिए वो डैश के ऊपर है, और
और इंफीरियर है तो सबसे नीचे है, इसलिए वो डैश नीचे। ये डैश समझ में एक तरह से बाकी सारे अपेंडिजेस का कंडेंस्ड फॉर्म है, ठीक। बाकी मेल एंड फीमेल इसको हम लोग ने बहुत बार इस्तेमाल कर चुके हैं, वेरी फर्स्ट चैप्टर से मैंने कई बार ये शब्द इस्तेमाल किए, तो आप तो फेमिलियर रहेंगे कि मेल के लिए आप ये शब्द, फीमेल के लिए अगर मान लो बायसेक्सुअल है, बायसेक्सुअल इन द सेंस मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट है, तो आप ऐसे कर सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया, आपके फ्लावर कैसे हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक। उसके बाद आता है आपका एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। अगर एक्टिनोमॉर्फिक है तो ये ऐसी होगी, जाइगोमॉर्फिक है तो ऐसी होगी। देखो एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, रेडियल सिमेट्री रहती है, ऐसे काटो या और काटो, तो इन लोग ने क्या किया, इसको एक सिंबल ही बना दिया। और जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है, ऐसे रहता है और इस तरह का इधर का जो भी पार्ट रहता है सेम इधर रहता है, तो इन लोग ने इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया और फाइनली इसको जो परसेंटेज वाला सिंबल होता है कुछ इस तरह से कर दिया। एक्चुअल में देखा जाए तो ये ऐसा रहता भी नहीं परसेंट जैसा, ये एग्जैक्टली ऐसा कुछ होता है, मतलब ये इसकी जो लाइन होती है वो थोड़ी स्ट्रेट होती है, बट यूजुअली लोग इसे थोड़ा सा वो कर भी देते हैं, बुक्स पे परसेंट बना रहता है तो लोग को लगता है एक परसेंट ही है वो, तो आप उसको परसेंट जैसा बना सकते हो। ऐसा कोई गलत नहीं है कि आप इसको अगर ऐसे कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये भी सही है। आइडियली कुछ इस तरह का होता है, थोड़ी स्ट्रेट रहती है लाइन, थोड़ी स्ट्रेट रहती है, ठीक। तो ये हमारे सिंबल्स हो गए। अब अगर आपको सिंबल्स कंप्लीट हो गया है, मतलब समझ में आ गया है, तब इजी तरीके से फ्लोरल फॉर्मूला लिख सकते हो। और फ्लोरल फॉर्मूला जब आ जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, फ्लोरल डायग्राम भी बना सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमको मान लो एक कोई फ्लावर दिया है, अब मान लो हम आपको एक ऐसे जनरल एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जिससे हम आपको दिखा सके कि कैसे हमको फ्लोरल फॉर्मूला लिखना होता है, क्योंकि ये चीजें आप समझ लोगे ना। उसके बाद जो दो फैमिली का डिस्कशन है, सोलनेसी या लिलियसी, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, उसमें मैं आपको फीचर्स लिख के दे दूंगी, आप उन फीचर्स को देखना, और उन फीचर्स को देखने के बाद क्या करेंगे, हम उससे फ्लोरल फॉर्मूला एंड डायग्राम बना लेंगे। देखो मैं एक एग्जाम्पल, ये एक आर्बिट्री एग्जाम्पल है, ठीक है, ऐसा नहीं कोई मैं एक बहुत ऑथेंटिक एग्जाम्पल नहीं ले रही हूँ, ये मैं ऐसे ही बस एक जनरल ले ले रही हूँ। मान लो हमारे पास एक फ्लावर है एफ, ये फ्लावर एफ है, इस फ्लावर में आपका ब्रैक्टीएट्स मौजूद है, ब्रैक्स मौजूद है, तो अगर किसी भी फ्लावर में ब्रैक्ट मौजूद है तो उसके लिए सिंबल हम यूज करते हैं बी आर। और यही कुछ सीक्वेंस भी होता है, ऐसा नहीं कि आप पहले एंड्रोशियम लिख दो गायनोशियम लिख दो, ऐसा आप नहीं करोगे, आप यही कंडीशन रखोगे कि आप ऐसे रेंज में चलो, मतलब जैसे फ्लावर को देखना स्टार्ट किया तो फ्लावर को यहाँ से देखते हुए चलो तब अंदर जाओ, ठीक। तो मान लो ये जो फ्लावर है वो कैसा है आपका, ब्रैक्टीएट कंडीशन थी, तो हमने कह दिया अच्छा ठीक है ब्रैक्टीएट कंडीशन इसमें है। उसके बाद हमने कहा कि उसमें कैलिक्स भी है कोरोला भी है, तो कैलिक्स के लिए हमें पता है हम के सिंबल यूज करते हैं, कोरोला के लिए हम सी यूज करते हैं। उसके बाद मान लो जो ये फ्लावर है, हमने बोला कि उसमें कैलिक्स 4 है और कोरोला 5 है, एंड ये जो कैलिक्स है वो फ्यूज्ड है, तो आप क्या बोलोगे, इसको आप 4 कर दो और कैलिक्स को आप 5 कर दो, और हमने बोला ये क्योंकि फ्यूज्ड है तो इसको ऐसे कर दिया, ठीक। तो हमने क्या देख लिया, उनका बाहर का ब्रैक देख लिया, कैलिक्स एंड कोरोला देख लिया। अब हम किस पे आएंगे, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम पे आएंगे। एंड्रोशियम गायनोशियम लिखने से पहले हमको ये भी तो अब देखना पड़ेगा ना कि उसमें मेल पार्ट क्या है और क्या नहीं है, तो उससे पता चलेगा कि ये यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है, मेल है कि फीमेल है। मान लो जो ये हमारा फ्लावर है, इसको हमने बोला कि ये मेल है, मेल फ्लावर है, तो मेल फ्लावर का मतलब यहाँ क्या है, इसमें आपको सिर्फ मेल वाला सिंबल बनाना होगा, दैट इज दिस, ठीक। उसके बाद मेल है, आप अब एंड्रोशियम पर आ जाओ, इसमें एंड्रोशियम का सिंबल बना दो। एंड्रोशियम आपका कितना है, देखो यूजुअली क्या होता है, हम लोगों ने यहाँ ये रख दिया, गलत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि रॉन्ग हो गया, बट अगर आप मान लो जो हमारा एंड्रोशियम है उसके जो स्टेमेन है वो कैलिक्स अटैच है, तो उस सिंबल को आप ऐसे लेके जाओगे बीच में ये आ जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, गलत मान लिया जाएगा, या आपका जो मतलब जो आप दिखाना चाह रहे हो वो शायद वो उस डायग्राम उस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट ना हो पाए, तो इसलिए क्या करते हैं हम, ब्रैक्टीएट के बाद ही हम बताते हैं कि वो मेल है कि फीमेल है, तो हमने बोला ये मेल था। उसके बाद हमने कैलिक्स लिखा, कोरोला लिखा, हमने एंड्रोशियम लिखा। अब मान लो जो हमारा एंड्रोशियम है उसमें टोटल 4 है, 4 है ठीक है, बट वो 4 आपस में फ्यूज्ड है और उन्होंने बंडल्स बना के रखे हैं। डाई एडल्फस कंडीशन हम लोगों ने पीछे पढ़ी थी कि जब दो दो स्टेमेंस आपस में फ्यूज करके बंडल बना लेते हैं, हमने बोला टोटल 4 है, दो दो अगर फ्यूज करेंगे तो दो ही बंडल बने, और अलग अलग फ्यूजन हुआ है तो हमने 2
प्लस टू कर दिया और हमने बोला कि इनमें और इनमें क्या है, अटैचमेंट है, तो हमने कहा अच्छा चलो हम अटैच भी करके दिखा देते हैं। ये हो गया। अब क्योंकि मेल है तो गायनोशेप का भी जिक्र करोगे ही नहीं। फिर आती है आपकी सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक है। तो एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक को अभी हम क्या करेंगे, यही कहीं सिंबल में दिखा देंगे, क्योंकि जो मतलब प्रेफरेंस रहती है वो ये रहती है कि मेल एंड फीमेल पार्ट वाला जो रहेगा उसको आखिरी में रखते हैं, बाकी सब चीजों को पहले। तो सबसे पहले आप ब्रैटियट बता दो, उसका जेंडर बता दो, उसके बाद आप उसकी सिमेट्री बता दो। अब मान लो हमारा जो ये फ्लावर है हमने लिया है उसमें एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है, ये गलत नहीं है, बस अब क्योंकि हम लोग साथ में चल रहे थे ना इस वजह से ये ब्रैटियट हो गया। उसके बाद हमने बोला ये मेल हो गया, उसके बाद हमने बोला कि इसमें एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है, तो आपने ये सिंबल बना दिया। फिर हमने कैलिक्स, कोरोला, एम्बुशेप बता दिया। तो ये हो गया आपका फ्लावर एफ के लिए फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक, ऐसे ही आप कोई अपने से एक आर्बिट्री कंडीशन सोचो जहां पास सिर्फ फीमेल मौजूद हो। तो आप मान लो यही सेम कंडीशन है, सब कुछ सेम है, सारे फीचर सेम है, बस वो यूनिसेक्सुअल है और वो आपकी दफा मेल नहीं बल्कि क्या है, फीमेल है। तो आप क्या करोगे, एक की जगह आप क्या लिख दोगे, जी लिख दोगे। और जब आप जी लिखोगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपकी ओवरी कैसी है, सुपीरियर है कि इंफीरियर है। आप मान लो सुपीरियर है, आप ऐसे कर दो, सुपीरियर इंफीरियर दिखा दिया। इसमें कितने कार्पल हैं, हम कहते हैं तीन कार्पल है। फ्यूज है कि नहीं, हम कह रहे हैं फ्यूज नहीं है, तो बस इस वैसे ही कर दो। अगर फ्यूज है तो ब्रैकेट लगा देते। अब मान लो मेल फीमेल दोनों होते तो पहले आप एंड्रोशियम लिखते फिर आप गायनोशियम लिखते। एंड्रोशियम इसलिए मैं कह रही हूँ पहले लिखने को क्योंकि मान लो अगर एंड्रोशियम कैलिक्स से या पेरियन से अटैच है तो आपको दिखाने में आसानी होगी। ठीक, तो हमने सिंबल्स पढ़ लिए एंड फ्लोरल फॉर्मूला कैसे हम डिराइव करेंगे या कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे हमने वो भी देख लिया। अब हम थोड़ा सा फ्लोरल डायग्राम देखें कि फ्लोरल डायग्राम में हम क्या क्या सिंबल यूज करते हैं। देखो फ्लोरल जैसे सिंबल्स में हमने सबको अलग अलग दिए थे, वैसे फ्लोरल डायग्राम में हर एक अपेंडिजेस का अपना एक स्ट्रक्चर हम देते हैं। जो कैलिक्स होता है दैट इज सेपल्स, उनके लिए आप कुछ इस तरह से बनाते हो, ऐसा कर करके। और इसको इनफैक्ट शेडेड पोर्शन रखा जाता है और आपको भी शेडेड करना होगा क्योंकि ये सब ऑथेंटिक सिंबल्स हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, आप करोगे तो ही आपको वो सही माना जाएगा। ये होता है हमारे कैलिक्स के लिए, मतलब सेपल्स के लिए ये सिंबल। उसी तरह से कोरोला के लिए, कोरोला के लिए भी ऐसे ही कुछ आता है बट थोड़ा सा वो पतला कर दिया जाता है। एंड इसको जनरली लोग शेड नहीं करते, बट अगर आप शेड कर भी लोगे तो कोई गलती नहीं है। बट क्योंकि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ऐसा डायग्राम बनाना है जो हमारा जैसे सब एकदम क्लियर रहे। आप मान लो शेड कर दोगे और आपने नियरली इन दोनों का वो जो रखा हुआ चौड़ाई जिसे बोलते हैं सेम है तो दोनों सेम लगने लग जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कैलिक्स को ऐसे रखेंगे, कोरोला को सिंपल ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका कोरोला या फिर आपके पेटल्स का सिंबल। उसके बाद क्या बचा, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है। ब्रैकेट कंडीशन को हम डायग्राम में नहीं दिखाते। फिर हमें क्या दिखाना होता है, हमें ये दिखाना होगा अब कि ये जो कैलिक्स है, कोरोला है, ये अरेंज्ड कैसे हैं, इनका एस्टिवेशन जो होता है उसको दिखाना होता है हमें डायग्राम में। अब मान लो इसको हम साथ में एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हमने ये माना कि एक ऐसा फ्लावर है जिसमें टोटल चार कैलिक्स है और टोटल चार कोरोला है और ये आपस में फ्यूज नहीं है, ये आपस में फ्यूज्ड नहीं है। ठीक, इनमें आपस में कोई फ्यूजन नहीं है और इनका एस्टिवेशन जो है, और इनका एस्टिवेशन जो है वो नियरली सेम है, या चलो अलग अलग करते हैं। इनका वेलवेट है, इनका ट्विस्टेड है। तो हमने बोला इनका वेलवेट एस्टिवेशन है, तो वेलवेट मतलब क्या होता है, आपको सबसे पहले एक यहाँ मदर एक्सिस बनानी होती है। देखो
मदर एक्सिस क्या होती है? मदर एक्सिस ऐसा बनाया जाता है कि ये होता है, और इसी के अराउंड, इसी के सिमेट्री के अराउंड आपका पूरा फ्लोरल डायग्राम बनता है ऐसे करके। अब आप खुद सोचो, अगर आप पहले से ये सिंबल बना के रख लोगे और फिर ड्रॉ करोगे तो इतनी एक्यूरेसी नहीं रहती हम लोगों में, मतलब मुझ में तो नहीं थी। तो हम क्या करते थे कि पहले ये पूरा बना लेते थे, उसके बाद हम मदर एक्सिस लगाते थे। तो हमें तो अपने सिंबल से बस मतलब है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ भी यही करेंगे कि पहले अपना पूरा डायग्राम बना लेंगे और आखिरी में मदर एक्सिस उसके सिमेट्री के अकॉर्डिंग लगा लेंगे, जिससे हमें ऐसा लगे कि हमारा फ्लावर का सिमेट्री रिप्रेजेंट हो पा रही है। सबसे बाहर क्या लगेगा आपका सिंबल, दैट इज कैलिक्स। कितने हैं? चार। हमने बोला ये कैसा है? वेलवेट। तो आपने ये बनाया। इसके लिए सबसे अच्छा है कि पहले आप एक कंप्लीट सर्किल बना लो, डॉट डॉट करके पेंसिल से अपने बना लिए। उसके बाद चार है ना, तो आप ऐसे ब्रेक कर लो। एक हो गया, दो हो गया, देखो 1 2 3 4। वेलवेट कंडीशन है, वेलवेट में ऐसे कुछ दिखाते हैं। अब क्योंकि कैलिक्स है तो कैलिक्स के लिए जो सिंबल है उसको हम बना देंगे। ये चीजें आप यही सीख लीजिए, क्योंकि अब जब मैं फैमिली बताऊंगी सोलेनेसी लिलिएसी, तो उसमें मैं डायरेक्टली आपको बस लिख दूंगी और आपको समझा दूंगी। तो क्योंकि मैं वहां फिर ये नहीं करूंगी कि पहले फीचर्स आपको लिखाऊं और फिर ये, क्योंकि ये चीजें सब बड़ी इजी हैं, और जो चीजें इजी हैं तो इट्स बेटर कि हम उसे इजी तरीके से ही कर लें और जल्दी कंप्लीट कर लें, क्योंकि हमें क्या करना है, टाइम के साथ ही अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट आपको करना होगा, पढ़ना हमें सब है और हमें पढ़ाना भी सब है, पर थोड़ा सा हमें फास्ट करनी होगी चीजें। तो ये कैलिक्स हो गया। उसके बाद हमने बोला कोरोला है, कोरोला भी चार है, और हमने बोला इसका ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, तो इसको ट्विस्टेड बना लेंगे। तो पहले हमने क्या बोला था आपको कि पहले आप सर्किल बना लो, तो इसमें भी यही करो, पहले सर्किल बना लो। अब ट्विस्टेड है ना, तो पहले तो आप इसको चारों को अपना अलग कर लो। ये कर लिया। अब क्योंकि ट्विस्टेड है, तो ट्विस्टेड में क्या होता है, एक साइड से वो किसी और को ओवरलैप करता है और दूसरी तरफ वो खुद ओवरलैप हो जाता है, जैसे कुछ इस तरह से। डायग्राम बनाना इज अ वेरी बिग टास्क, ठीक। ऐसे कुछ गया, ये सर्कुलर ही जाएगा, आप उसको थोड़ा और अच्छे से कर लेना। ये हो जाएगा, देखो ऐसे यहाँ ओवरलैप किया तो इस तरफ ये खुद ओवरलैप हो जाएगा जिस तरह से, और फिर यहाँ पास ये ओवरलैप कर रहा है तो यहाँ खुद ओवरलैप हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब हम क्या करें, थोड़ा सा इसे मोटा कर दें। अब जब इसे पेंसिल से बनाओगे तो ये और अच्छा बनेगा और क्लियरिटी बनेगी, क्योंकि मैं मार्कर से बना रही हूँ, बोर्ड भी बना रही हूँ, तो थोड़ा वो स्किट कर जा रहा है, बट ठीक है, रेफरेंस के लिए हमारे सही है। तो अब हम क्या करते हैं, फ्लोरल डायग्राम में कैलिस लिखा, कोरोला लिखा, तो उस डायग्राम में अकॉर्डिंग टू द एस्टिवेशन ही हम उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक। तो हम फ्लोरल डायग्राम से एस्टिवेशन का भी पता लगा सकते हैं। कैलिस हो गया, कोरोला हो गया, उसके बाद कंडीशन आती है पेरियंथ वाली। अब जब कैलिस अलग है, कोरोला अलग है, तो पेरियंथ की बात नहीं होगी। एंड्रोशियम आता है, गायनोशियम आता है। एंड्रोशियम के लिए आप इस तरह से यूज करते हो सिंबल, ऐसा कुछ, सॉरी यहाँ पर ऐसा कुछ कर लो, मतलब क्या करना है, बस सिंपल है, ऐसे करके ऐसे कर दो, क्योंकि बाय लोड होता है ना आंसर, तो यूजुअली, तो इसलिए ये डायग्राम बनाते हैं उसके लिए, ऐसा आप बना लो। अब मान लो जो हमारे पास एंड्रोशियम गिवन है, वो एंड्रोशियम हम बोल रहे हैं आपस में फ्यूज नहीं है, फ्री है, टोटल चार है, लेकिन वो चारों के चारों इस कोरोला से अटैच है। तो कोरोला से अगर फ्री है, मान लो कोरोला से अटैच ना होता, चार है लेकिन कोरोला से अटैच ना होता, तो उसको आप ऐसे बना देते हैं। ऐसा हो गया, ठीक है। अब अगर मान लो ये एंड्रोशियम कैलिक्स से अटैच है, तो कैलिक्स से अटैच है तो उसको आप ऐसे अटैच करा दो,
ऐसे ये हो गया। उसके बाद अगर वो फीमेल स्ट्रक्चर भी उसमें मौजूद है, मान लो गायनोशियम, हम यहाँ लेते हैं गायनोशियम मौजूद है, तो हमने कहा गायनोशियम मौजूद है, दो है मोनो डाइकार्पल है इसमें, और तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले तो गायनोशियम के लिए आप बीच में सर्कल बनाते हो, उसके बाद क्योंकि डाइकार्पल है तो आपको यहाँ बीच में ऐसे करके इस तरह से दिखा दो, उसके बाद उसमें आपको प्रेजेंटेशन दिखाना होता है कौन सा प्रेजेंटेशन है। अब मान लो ये जो हमने लिया है उसमें कुछ इस तरह का प्रेजेंटेशन था, सेंट्रल जिसे हम बोलते हैं, इस तरह से आप उसमें लोक्यूल का अरेंजमेंट दिखा दोगे, जितने लोक्यूल नंबर गिवन है, क्योंकि जब आप फीचर्स पढ़ोगे अभी इस फैमिली के तो उसमें लोक्यूल नंबर गिवन रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप उतने सर्कल्स यहाँ बना दोगे। सॉरी लोक्यूल नहीं, ओव्यूल। लोक्यूल क्या होता है, ओवी चैम्बर होता है, अगर दो चैम्बर दिया है तो आप इस तरह से चैम्बर बनाओगे, और ओव्यूल की जो नंबरिंग दी है उसके अकॉर्डिंग ये छोटे छोटे जो सर्कल्स बनाए हैं उनको बनाओगे। तो ये हो गया आपका फ्लोरल डायग्राम। जब पूरा बना लो तो आप यहाँ क्या करोगे, इस तरह से मदर एक्सिस लगा दोगे। अब याद रख, देखो इससे क्या हुआ, जब हमने फ्लोरल डायग्राम बना लिया, ब्रैकेट कंडीशन अगर है उसके लिए आप क्या करोगे, ऐसे करके सिंबल लगा दोगे। सॉरी ब्रैकेट के लिए भी आप सिंबल लगाओगे ऐसा, अगर मान लो फ्लावर क्या है, ब्रैकेट है, तो ये बता रहा है कि इसमें ब्रैक्ट्स मौजूद है, और ये अगर नहीं है तो ब्रैकेट नहीं है। ये हो गया। उसके बाद देखो इससे क्या फायदा होगा, हमें पता चल गया कि कैलिक्स से कोरोला है, आपस में अटैचमेंट है, कैसा एस्टिवेशन है, गाइनोशियम में कैसा लोक्यूल है, कैसा प्लेसेंटेशन है, ये पता चलता है। साथ ही साथ हमें सिमेट्री भी पता चल जाएगी कि ये एक्टिनोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक है। आप बोलोगे आप इसको ऐसे से कर लो, आपको दिखेगा कि ये हर प्लेन से डिवाइड हो जाएगा, तो आप बोल दोगे ये एक्टिनोमॉर्फिक है। तो फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम से हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली जितने भी फ्लोरल फीचर्स होते हैं किसी भी फैमिली के वो हम सिम्बलाइज फॉर्म में पढ़ लेते हैं। अब आपका समझ लो ये पोर्शन कंप्लीट ही हो गया है, क्योंकि अब जो फैमिली रहेगा उसमें मैं क्या करूंगी, पहले फीचर्स लिख दूंगी फैमिली के, और साथ में मैं बगल में उसका फ्लोरल डायग्राम, सॉरी फ्लोरल फॉर्मूला लिख दूंगी, और डायग्राम जो है उसको फिर हम लोग साथ में बना लेंगे, ये हो जाएगा। अब देखो जब किसी फैमिली को आप डिस्क्राइब करते हो, तो फैमिली को डिस्क्राइब करते वक्त सबसे पहला फीचर हम उसका लिखते हैं हैबिटेट, उसका हैबिट कैसा है, उसका हैबिटेट कैसा है, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, और मतलब उससे क्या कंडीशंस चाहिए ये। उसके बाद हम उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स लिखते हैं, उसका रूट कैसा है, स्टेम कैसा है, लीफ कैसा है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो, जो जो मॉर्फोलॉजी हमने पीछे पढ़ी थी, स्टेम थी कैसी स्टेम है, लीफ है तो कैसी लीफ है, उसमें कैसा एस्टिवेशन है, ये सब सॉरी कैसा विनेशन है, कैसी फाइलोटैक्सी है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। एंड फिर उसके बाद हम फ्लोरल स्टडी करते हैं, दैट इज फ्लोरल स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें सिमेट्री कैसी है, उसमें कैसा कैलिक्स है, कोरोला है, इन चीजों को हम पढ़ते हैं, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं। तो अब बस आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, और फिर हम फैमिली को फॉरन से डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपका जो फैमिली सेलेनेसी है उसका सारा फीचर डायग्राम सब लिख दिया है, इसलिए क्योंकि जब उसको आप पढ़ाते पढ़ाते लिखते हो तो और टाइम लगता है, वीडियो फालतू में लंबी हो जाती है, एंड ज्यादा लंबी वीडियो सही नहीं लगती मुझे, तो इसलिए मैंने क्या किया, सारे फीचर्स लिखे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले। अब देखो सोलनेसी फैमिली जो है वो पोटैटो फैमिली होती है, क्यों, क्योंकि जो पोटैटो हम खाते हैं, आलू जिसे हम बोल रहे हैं, तो वो सोलनेसी फैमिली का ही मेंबर है। अब हम लोगों ने जब अभी क्या आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उसका हैबिटेट कैसा है, उसका वेजिटेटिव कैरेक्टर कैसा है, मतलब रूट स्टेम एंड लीव्स कैसी है, उसके बाद हम उसके फ्लोरल फीचर पे आते हैं। तो सोलनेसी फैमिली का जो हैबिटेट है वो उनका ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक, टेम्परेट, इन तीनों रीजन में पाई जाती है। अब स्टेम की बात करते हैं, इनकी स्टेम हर्बेशियस होती है। अगर आपने पोटैटो फैमिली, टोमेटो फैमिली, मतलब जो इस फैमिली को बिलोंग करते हैं सोलनेसी फैमिली से, आपने अगर उनको ऑब्जर्व किया होगा तो आप उनके प्लांट को देखो तो वो हर्बेशियस रहते हैं, वुडी नहीं रहते हैं, बहुत रेयरली होता है वुडी होता है, अदरवाइज ये हर्बेशियस रहते हैं, एरियल रहते हैं, इरेक्ट रहते हैं। इरेक्ट मतलब समझते हो, जब आपकी स्टेम स्ट्रेट हो तो उसे इरेक्ट बोलते हैं, और जब इस तरह से झुकी हुई और जमीन के सहारे वो क्लाइंबिंग कर, मतलब वो क्रीपर्स जिसे हम बोलते हैं, जमीन में जब फैली हुई होती है तो उसे हम प्रोस्ट्रेट बोलते हैं, और क्योंकि ये तो इरेक्ट रहती है, जो पोटैटो का प्लांट रहता है तो ये इरेक्ट होता है, सिलेंड्रिकल रहती है, ब्रांच ब्रांचिंग होगी, सॉलिड या होलो दोनों हो सकती है, हेयरी एंड ट्यूबर, ट्यूबर फॉर्मेशन होता है, जैसे पोटैटो जब खाते हैं ट्यूबर फॉर्मेशन, तो उसके लिए मैंने ट्यूबर लिखा हुआ है। हेयरी का मतलब यहाँ ये है कि आप किसी किसी प्लांट्स के स्टेम देख सकते हो, वहां छोटे छोटे ऐसे आपको हेयर्स दिख सकते हैं, तो अगर है तो आप हेयरी बोलोगे, और अगर नहीं है तो हेयरी नहीं बल्कि स्मूथ आप उन्हें बोलोगे। फिर लीव्स की बात करते हैं, इनमें ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी होती है, फ्लावर
लीव्स होती है, पिनेटली कंपाउंड बहुत रेयरली देखने को मिलती है, रेटिकुलेट विनेशन होता है और एक्स स्टिपुलेट होती है। एक्स स्टिपुलेट का मतलब उनमें स्टिपुल्स मौजूद नहीं है। देखो यहाँ जो ये सब टर्म्स लिखे हुए हैं, ये सब टर्म्स से आप फैमिली हो, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे थे, मतलब अपने चैप्टर को आपने पढ़ा है तो, चाहे बुक से पढ़ा हो चाहे इसी वीडियो के साथ आप लेक्चर कंटिन्यू कर रहे थे तो अच्छी बात है। बट इन केस मान लो अभी आपने पढ़ाई नहीं की है, आपने बुक में भी नहीं देखा था और ये वीडियोज भी नहीं देखी है, तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार जाके वीडियो को देख लो। तो वहां पर जब आप लीव स्टेम का ये सब मॉर्फोलॉजी पढ़ लोगे तो आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे लगने लग जाएंगे, समझ में आएंगे, तो आपको ये चीज जो ये फैमिली डिस्कशन है वो टफ नहीं लगेगा, अदरवाइज आधी से ज्यादा चीज आपको समझ में नहीं आएगी। फिर हमने इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा था, तो इन्फ्लोरेसेंस का कैसा है, सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब क्या है, एक फ्लावर रहेगा गुच्छों में नहीं रहेंगे। फिर एक्सिलरी, एक्सिलरी मतलब एक्सियल कंडीशन पे इधर साइड निकलेंगे, साइड साइड निकलेंगे, ना कि टर्मिनल पे। साइमोस कंडीशन हो सकती है बट साइमोस रेयरली ही देखने को मिलता है। फ्लावर इनका बायसेक्सुअल रहता है, मेल फीमेल दोनों रहेंगे। एक्टिनोमोर्फिक इनकी सिमेट्री रहती है। कैलिक्स आ जाओ, फाइव सेपल्स है, यूनाइटेड है, वेलवेट एस्टिवेशन। कोरोला है, पेटल्स फाइव है, यूनाइटेड है, वेलवेट एस्टिवेशन। एंड्रोशियम पांच है, इपीपेटलस, इसका मतलब एंड्रोशियम इससे अटैच रहेगा। गाइनोशियम में बायकार्पल है, दो कार्पल रहेगा, दोनों आपस में फ्यूज है। ओवरी सुपीरियर है, इसका मतलब सब कुछ ओवरी के नीचे से निकलेगा। बायलोक्यूलर है, ओवरी के अंदर दो कैविटी मौजूद है तो बायलोक्यूलर हो गया। एग्जाइट प्लेसेंटेशन है और कई सारे ओव्यूल्स हैं। अब फ्रूट रसीद तो हमने डिस्कस किया नहीं था क्योंकि वो सिलेबस में है नहीं, बट इनके जो फ्रूट हैं वो बेरी या कैप्सूल जैसे कंडीशन में आते हैं। एंड इनकी सीड जो होती है, सीड मतलब यहाँ ये है कि एक फ्रूट पे कितनी सीड है, तो कई सारी सीड्स इनमें होती हैं और ये एंडोस्पर्मिक होते हैं। बट अगर आपको यहाँ ये चीजें नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आई तो आप सिंपल लर्न कर लो, और अगर आपको क्यूरियोसिटी है, अच्छी बात है, तो मैंने जो आपको जैसे 12th के प्लेलिस्ट की बात आपसे जो बोली है, आप उसमें जाके सेकेंड चैप्टर का वीडियो देख लो, उसमें आपको ये चीज दिख जाएगी, सीड वाली और फ्रूट वाली। ठीक, अब इसका फ्लोरल फॉर्मूला, उसको मैंने नहीं लिखा जानबूझ के कि हम साथ में यहाँ करेंगे। जब फ्लोरल फॉर्मूला हम लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं ब्रैकेट है कि नहीं, जब मैंने ब्रैकेट नहीं लिखा इसका मतलब ब्रैकेट कंडीशन में नहीं होगी। उसके बाद हमने क्या बोला था, हम सिमेट्री लिख लेंगे या फिर सेक्सुअल कंडीशन लिख लेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, फ्लावर से। बायसेक्सुअल है तो मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट है इसमें। एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक बना लिया। कैलिक्स भी है, कोरोला भी है, कैलिक्स भी है, कोरोला भी है। कैलिक्स इनके फाइव है, कोरोला भी इनके फाइव है, फाइव है, फाइव है, और ये फ्यूज है तो फ्यूज बना दिया। उसके बाद एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम में स्टेमिन कितने हैं, पांच हैं, पांच बना दिया। आपस में क्या फ्यूज्ड है, नहीं है, लेकिन इपिपेटलस है, ये कर दिया। फिर गाइनोशियम पे आप आ जाओ, गाइनोशियम में आप जी बनाओगे, गाइनोशियम बायकार्पेलरी बोल रहा है, बायकार्पेलरी मतलब दो हो गया। सिन है, सिन मतलब फ्यूज, तो आपने ऐसे कर दिया। सुपीरियर है, सुपीरियर मतलब आपने ये सिंबल बना दिया। और एग्जाइल प्रेजेंटेशन है, बायलोकुलर है, ये सब चीजें तो यहाँ पर भी दिखाते हैं। तो देखो कितने आसानी से हमने फॉर्मूला लिख लिया, तो उससे क्या हुआ, पीछे हमने जितना सीखा चीजों को वो हमने यहाँ यूटिलाइज करेंगे। उसी के बाद हम क्या करेंगे, हम फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे। तो ये कैलिक्स बनाया मैंने, फिर ये कोरोला बनाया। कैलिक्स कोरोला क्योंकि आपस में फ्यूज है तो आप इनको ऐसे सिंबल बना दो, कोरोला भी आपस में फ्यूज है तो ये मैंने ऐसे करके अटैच करा दिया। पांच स्टेमेन है और इससे अटैच है तो ये अटैच करा दिया। अब देखो गाइनोशियम भी उन्होंने बोला है कि गाइनोशियम का कैसा है, बायकार्पेलरी दो कार्पल्स हैं, तो ये जो बना के मैंने ऐसे कंपार्टमेंट बना दिया बीच में, ये दो कार्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिन है तो आपस में देखो फ्यूज है, अलग अलग नहीं मैंने बनाए हैं। बायलोक्यूलर है, इनमें दो लोक्यूल मौजूद है। एक्साइल है तो एक्साइल प्रेजेंटेशन को वैसे ही दिखाते थे, मान लो ये आपकी एक्सेस है, उसके अलॉन्ग आपके ओव्यूल्स निकले हुए हैं, मेनी ओव्यूल्स है, तो यहाँ मैंने कई सारे ओव्यूल्स बना दिए हैं। मदर एक्सेस मैंने नहीं बनाई है क्योंकि जब मैंने ये डायग्राम बनाया तो मेरे अंदर सिमेट्रिकल ये नहीं बना है, तो अब मैं अगर मदर एक्सिस यहाँ नहीं बनाऊंगी तो आप सिमेट्री वगैरह को सही से देख नहीं पाओगे। जबकि ये कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है, आप इसको ऐसे काटो ऐसे काटो, सब कुछ एकदम इवनली कट जाता है। तो मेरा डायग्राम क्योंकि उतना सिमेट्रिकल बना नहीं था, इसलिए मैंने मदर एक्सिस नहीं बनाई है, बट फिर भी अगर बनेगी तो आप उसको यहाँ या यहाँ कहीं बना सकते हो। ठीक, मान लो यहाँ कहीं मैंने बना दिया, तो बस आपकी ये फैमिली हो गई। अब हमें एक फैमिली और करनी है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अपना हम लास्ट पार्ट कर लेते हैं, दैट इज फैमिली लिलियेसी। उसके भी मैंने फीचर्स लिख दिए हैं, फ्लोरल डायग्राम भी बना दिया है, फॉर्मूला हमें साथ में करना है। इनका हैबिटेट कैसा है, वर्ल्ड वाइड है, मतलब ये टेम्परेट, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिक, हर रीजन में देखने को मिलता है, जीरो ट्रॉपिक।
स्टेम इनकी हर्बेशियस होती है, राइजोम फॉर्मिंग होती है। राइजोम मतलब क्या होता है, जो अंडरग्राउंड होती है स्टेम्स उनको हम राइजोम बोलते हैं। लीव्स इनकी कैसी, बेसल है, अल्टरनेट है, एक्स स्टिपुलेट है, पैरलर विनेशन है। अब यहाँ पास कैसा है, पैरलर, जबकि हमने सोलानेसी में रेटिकुलेट पढ़ा। इनफ्लोरेसेंस सॉलिटरी या फिर साइमोस, दोनों को ही हो सकता है, ऐसा ही हमने सोलानेसी में पढ़ा। फ्लावर बायसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बट यहाँ ब्रैक्टीएट कंडीशन भी है। ठीक, पीछे हमने सोलानेसी में सिर्फ बायसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक देखा था, उसमें ब्रैक्टीएट कंडीशन नहीं थी। इनमें जब हम पेरियंस पढ़ रहे थे तब भी हमने एग्जाम्पल बताया था, लिली होता है उसका एग्जाम्पल। तो इनमें कैलेक्स करोला अलग अलग नहीं होता बल्कि फ्यूज हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरियंस। एंड उसकी यूनिट क्या कहती है, क्या कहलाती है, टेपल्स। तो टोटल कितने हैं, 6 टेपल्स होते हैं और तीन तीन का अलग अलग सेट होता है, वेलवेट एस्टिवेशन होता है। एंड्रोशियम 6 हैं, इपिटेपलस हैं और तीन तीन का इनमें भी सेट होता है। गाइनोशियम ट्राइकार्पल हो गए, सिनकार्पस, ओवरी सुपीरियर, ट्राइलोकुलर, बाकी सारी कंडीशन जैसे पीछे मैंने पढ़ा था वही है। फ्रूट इनके भी वही है, बेरी या कैप्सूल हो सकते हैं एंड सीड कई सारी होती है एंड एंडोस्पर्मिक होती है। अब हम लिखते हैं फॉर्मूला। फ्लावर कैसा है, बायसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है, ब्रैक्टीएट है, तो ब्रैक्टीएट के लिए BR लिख दिया। बायसेक्सुअल के लिए हमने बायसेक्सुअल सिंबल बना दिया, एक्टिनोमॉर्फिक के लिए एक्टिनोमॉर्फिक सिंबल बना दिया। उसके बाद क्या है, पेरिएंथ है, पेरिएंथ के लिए सिंबल होता है P। ठीक है, उसके बाद क्या है, 3+3 का सेट है, तो 3+3। देखो ये 3+3 का सेट अलग अलग है बट क्या ये आपस में फ्यूज है, हाँ ये आपस में फ्यूज भी है, तो इनको हम ऐसे करके लिखें 3+3। ठीक, या इनको आप पूरा साथ में ऐसे भी करके लिख दोगे तो भी ये गलत नहीं है क्योंकि ये अल्टीमेटली कंबाइंड है। वेलवेट एस्टिवेशन है वो तो हम फ्लोरल डायग्राम में देखेंगे। एंड्रोशियम कितने हैं, 6 है। एंड्रोशियम कितने हैं, 6 है, बट उनका भी तीन और तीन का सेट अलग है, बट वो आपस में फ्यूज नहीं है बल्कि ये एपिपेटलस है, एपिटेपलस है, टेपल से अटैच है। गाइनोशियम इनकी ओवरी कैसी है, उनकी सुपीरियर है और ट्राइकार्पुलरी है, सुपीरियर है, ट्राइकार्पुलरी है। ये हो गया इनका फ्लोरल फॉर्मूला। डायग्राम देखिए, इन्होंने बोला कि टेपल्स हैं विच मीन्स पेरियंथ है, कितने 6 हैं, कैसा है, वेलवेट एस्टिवेशन है, बट एक चीज ये लगा दी कि तीन तीन का अलग अलग सेट है। यूजुअली हम अगर ये ऐसे ना बनाए, हम ऐसे बनाते कि यहाँ एक जाता, दो जाता, तीन जाता, चार जाता, पांच जाता, छह जाता, ऐसे जाता हमारा। लेकिन जब ये 6 हम ऐसे बना देते आपके टेपल्स, तो वो दिखता है कि ये 6 एक ही सेट है, लेकिन हमें यहाँ अलग अलग सेट दिखाना है, तो हम तीन अलग कराएंगे। तो इसमें क्या होता है, एक थोड़ा नीचे रहता है, एक ऊपर, फिर एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे और एक ऊपर, वो आपस में अटैच रहते हैं। ये आपका टेपल्स का सिंबल है। ठीक, और ये दिखा रहे हैं हम कि आपस में टेपल्स क्या है, कनेक्टेड है। फिर उसके बाद क्या दिखाना है हमें, कि इनमें एंड्रोशियम कैसे हैं, तीन तीन का सेट है, मतलब टोटल 6 हैं, तो वो सब आपस में ट्रिपल से अटैच है, ट्रिपल से अटैच दिखा दिया। गाइनोशियम कैसा है, ट्राइकार्पोरली, देखो 1 2 3 ट्राइकार्पोरली हो गया। एक्साइल होता है प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन दिखा दिया। कई सारे ओव्यूल्स होते हैं तो कई सारे ओव्यूल्स हमने दिखा दिए। अब इसमें क्योंकि ये नियरली सिमेट्रिकल है तो यहाँ हम इसकी मदर एक्सिस बना सकते हैं। ठीक, ये हो गया आपका फैमिली, लिलियसी भी कंप्लीट। आई होप कि आप हम लोग के साथ पूरा अपने वीडियो कवर किया होगा एंड आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। बस फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट चैप्टर का वेट करना है, हम बहुत जल्दी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू।